मिर्ज़ापुर का मैं फ़ैन हूँ इसकी राइटिंग की वजह से, और इसी के चलते हम लोग रॉबिन यानी कि राधे श्याम अग्रवाल से इंट्रोड्यूस हुए मिर्ज़ापुर सीजन 2 में। और रॉबिन एक ऐसी कड़ी है जिसने गुड्डू पंडित की फैमिली को फिर से हंसने खेलने की उम्मीद दी थी, बट गुड्डू को पूरी तरह से तोड़कर भी रख दिया था। और मिर्ज़ापुर की एंटायर टाइमलाइन में रॉबिन की ही डेथ एक ऐसी थी जो अनएक्सपेक्टेड निकली। मैं नहीं चाहता था कि वो मरे क्योंकि वो लविंग कैरेक्टर था और ऑनेस्टली डिजर्व भी नहीं करता था ऐसी डेथ जो गुड्डू ने उसे दी। वो तो बस डिम्पी के साथ अपनी लाइफ जीना चाहता था, बट गलत टाइम पर गलत जगह जा बैठा। और इस सीजन का सबसे इंटेंस डेथ भी रॉबिन की ही थी। मैंने नहीं सोचा था कि गुड्डू ऐसे होश खो बैठेगा और अपनी माँ और बहन के सामने रॉबिन को इस तरीके से मार बैठेगा, जो उसकी माँ को उम्र भर के लिए ट्रॉमा दे जाएगा। ऑब्वियसली रीजन इसका यही है कि गुड्डू ने इस सीजन में ड्रग्स का ओवर यूज करना शुरू कर दिया था और वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में भी नहीं था गोलू के मर जाने की न्यूज सुनकर। तो चलो इस वीडियो में रॉबिन और इसके आसपास रहने वालों पर क्या असर हुआ वो देखते हैं। तो मिर्ज़ापुर के बाकी सभी कैरेक्टर्स से अगर मैं रॉबिन को कंपेयर करूं तो रॉबिन काफी अनएक्सपेक्टेड एडिशन थी, क्योंकि मेकर्स ने पहली बार हमें एक ऐसे इंसान से मिलवाया जो पैसा तो कमाना चाहता था चाहे कैसे भी हो, पर वो कभी भी वायलेंस में नहीं पड़ना चाहता था। रॉबिन ऑलमोस्ट सब कुछ देख चुका था मिर्ज़ापुर में रहते रहते। उसे पता था कि दुनिया कैसे चलती है और इवन उसे वहां की पावर डायनामिक्स का भी पता था कि कौन वहां के बड़े प्लेयर्स हैं। बट जो चीज रॉबिन को इन सबसे अलग करती थी वो थी कि रॉबिन ने कभी भी उनके वर्ल्ड का पार्ट बनने की इच्छा नहीं रखी। उसका काम था माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करना। रॉबिन का उनसे अच्छा तालमेल था, पर अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसने जो कभी भी वो क्रॉस नहीं करता था। और रॉबिन गुड्डू पंडित से पहली बार लखनऊ में जब मिला, गुड्डू अपनी बहन डिम्पी को हॉस्टल छोड़ने गया था। ऑनेस्टली शुरू में मुझे रॉबिन एक कनिंग इंसान लगा जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हो, और ऐसा लगता था कि उसकी लीजियन सभी के साथ है, पर असल में वो किसी भी माफिया पार्टी के लिए लॉयल नहीं था और काइंड ऑफ फ्रीलांस काम करता था। पर धीरे धीरे जैसे उसे हम जानने लगे, ऐसा रियलाइज हुआ कि वो इतना भी डिसऑनेस्ट इंसान नहीं है जितना कि वो लगता था। हाँ, लोगों से वो टैक्टफुली डील करता था और अपना असली रूप भी कभी नहीं दिखाया। तभी उसके मुंह से अपनी माँ को लेकर अलग अलग कहानियां सुनने को मिली। बेशक कभी भी उसने अपने असली पत्ते नहीं खोले हमारे सामने, बट उसमें एक ईमानदारी थी जो उसे स्पेशल बनाती थी। तभी गुड्डू के फादर रमाकांत पंडित ने उसे घर संभालने और गुड्डू के लिए वो एविडेंस देने को कहा, बट रॉबिन का डेयरिंग मूव था डिम्पी के पास जाना ये जानते हुए कि वो गुड्डू पंडित की बहन है। और गुड्डू से थोड़ी देर बात करके ही उसे ये रियलाइज भी हो गया था कि वो कितना डेंजरस इंसान है, पर फिर भी रॉबिन ने जो चाहा वही किया। और इवन जब गुड्डू ने रॉबिन को डिम्पी के रूम से निकलते देखा जब वो अपनी बहन से मिलने गया, गुड्डू गुस्से से पगला गया और रॉबिन को सबक भी सिखाना चाहता था, पर रॉबिन उस टाइम बच गया और डिम्पी ने अपने भाई को ये समझाया कि रॉबिन कोई बुरा लड़का नहीं है, वो बस उसकी सिर्फ पढ़ाई में मदद कर रहा था। लेकिन टाइम के साथ रॉबिन और डिम्पी एक दूसरे को पसंद करने लगे, और करते भी क्यों नहीं एक ऐसे वर्ल्ड में जो ईगोसेंट्रिक रूथलेस और करप्ट कैरेक्टर से भरा हुआ है। और ऐसी जगह सिर्फ रॉबिन ही ऐसा इंसान था जो अपनी वल्नरेबल साइड दिखाने से नहीं कतराता था। उसे पता था कि कैसे एक वुमन को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है और कैसे उसे रिलेशनशिप में फ्री फील करवाना है। डिम्पी ने फिर रॉबिन को अपनी फैमिली से मिलवाया और हमने ये भी देखा कि कितने अडोरेबल तरीके से उसने डिम्पी के पेरेंट्स को इम्प्रेस किया। रमाकांत पंडित को इम्प्रेस करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि वो रिसेंट सर्कमस्टांसिस से अफेक्ट हुआ था, और उस टाइम मिर्ज़ापुर सीजन 2 में रमाकांत का सोल पर्पस था त्रिपाठी फैमिली और अपने खुद के बेटे गुड्डू के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना। जब रमाकांत को पता चला कि रॉबिन माफियास का पैसा हैंडल करता है, तब उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, और फिर रॉबिन ने एविडेंस प्रोवाइड किया और रमाकांत ने ईस्टर्न यूपी में ऑपरेटिंग माफियास के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाया। और चीजें वैसी नहीं हुई जैसे रमाकांत ने एक्सपेक्ट करी थी। उसे नहीं पता था कि जो एविडेंस उसने गुड्डू के खिलाफ पुलिस को प्रोवाइड किया है, वो पुलिस सिर्फ गुड्डू तक पहुंचने के लिए यूज कर रही थी। असली मकसद पुलिस का उसे इनकाउंटर करने का था, और रमाकांत ने अपने बेटे को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर मौर्या को मार दिया जो उसका एनकाउंटर करने वाला था, और रमाकांत ने सरेंडर कर दिया। पर फिर भी रॉबिन ने फैमिली का साथ नहीं छोड़ा। रमाकांत ने रॉबिन को उस बेटे के रूप में देखना शुरू किया जो उसके पास कभी भी नहीं था। रॉबिन वो सब कुछ था जो गुड्डू रमाकांत के लिए नहीं बन सका। लेकिन रॉबिन के लिए चीजें तब पलटी जब सीजन 3 के एंड में रॉबिन ने सबको सरप्राइज करते हुए रमाकांत की हियरिंग के दौरान ये बोला कि रमाकांत गुड्डू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने पापों के लिए सफर करना चाहता है और अपनी किस्मत के सामने सर झुकाए खड़ा है। बट रॉबिन को पता था कि अगर उसने ये सभी एविडेंस प्रेजेंट कर दी है तो कोर्ट में ये प्रूव
प्रूफ हो जाएगा कि रमाकांत ने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था, जिससे पहले प्रोसिक्यूशन सिर्फ उसके साइलेंस का फायदा उठा रही थी। हियरिंग के बाद जब जज ने उस पर्टिकुलर डेट पर कोई जजमेंट नहीं दी और गुड्डू अपनी माँ और बहन से मिलने अपने घर गया, तब गुड्डू ने रॉबिन को अपने फैमिली के साथ बैठे देखा और ये देखकर गुड्डू टूट सा गया कि जिस जगह उसे होना चाहिए था वहां पर रॉबिन था। और इनकी आर्ग्यूमेंट में जब रॉबिन गुड्डू के सामने खड़ा होकर ये बोला कि वो अपनी फैमिली के लिए कभी भी वहां नहीं था, थिंग्स हीटेड अप। उस टाइम गुड्डू ड्रग्स भी लेने लगा था और उस मेंटल स्टेट में भी नहीं था कि सही गलत कुछ समझ पाए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस समझ सके, और इम्पल्सिवली एक्ट कर बैठा। गुड्डू ने रॉबिन पर अटैक कर दिया और सबके रोकने से पहले उसने रॉबिन की आंखों में दोनों हाथों से उंगलियां घुसा दी और उसे वहीं मार दिया। डिम्पी और उसकी माँ हॉरिफाइड और स्टंड खड़ी रही वहां पर और ना ही पूरी तरह से समझ पाई कि वहां हुआ क्या। रॉबिन की कहानी मिर्जापुर सीजन 3 में यहीं खत्म हो गई और इसने हमें ये रियलाइज करवाया कि गुड्डू बहुत दूर तक चला गया है और इस प्रोसेस में उसने अपने आप को भी खो दिया है। इस एक्ट ने डिम्पी को भी अपने भाई से काफी दूर कर दिया है और उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उसका भाई इतना बारबरिक एक्ट करने के केपेबल था। और यही डिम्पी की फेट भी डिसाइड होगी कि अब वो माफिया के खिलाफ लड़ेगी अपनी लड़ाई या एक्टिविस्ट बनके लोगों को हेल्प करेगी। तो ये थी सीजन 3 की एंडिंग एक्सप्लेन। मिर्जापुर के रिलेटेड और भी वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डू चेक देम आउट। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने में, और इस चैनल को फॉलो करते रहना फॉर लेटेस्ट ब्रेकडाउन ऑफ टीवी शोज एंड मूवीज। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप फॉलोइंग दिस चैनल।